अभिषेक कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। जैसे सीजीएल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कल से यूट्यूब पे आपने देखा कि एक माहौल बन गया है कि एग्जामिनेशन डेट को लेकर के। देखिए, यूट्यूब पे आप जो भी वीडियो आपने देखा है कि 28 को पेपर होगा या फिर नहीं होगा, और आज की जो न्यूज़पेपर में जो भी कटिंग आई है कि आपकी संभावनाएं काफी कम है कि 28 जनवरी और 4 फरवरी को पेपर होने की। देखिए, आप इस एग्जामिनेशन को काफी समय दिया है, काफी मेहनतें की है और आपने कई सारे सपने पाल रखे हैं। ठीक है, हर समय मैंने आपको यही बातें कहा है और आपकी एग्जामिनेशन डेट भी टलती चली गई है, फिर भी आपको मैंने एक ही शब्द कहा, एक ही बातें कहा कि आपको अपने इंड से हर काम करना है, लेकिन आपको अपनी किताबों के टच पर रहना है। ठीक है, और अभी तक कहीं पर भी आपने आयोग के तरफ से ऐसा कोई भी लेटर या फिर कोई भी नोटिस या कहीं पर भी ऐसी न्यूज आपने नहीं देखा है कि आपका एग्जामिनेशन 28 जनवरी या 4 फरवरी को आयोग नहीं कंडक्ट करवाने वाली है। आपने जो भी लेटर देखा, 2 जनवरी वाली जो लेटर थी, उसमें भी कहीं ना कहीं पूरी स्पष्टता दिख रही थी। कई डिस्ट्रिक्ट में जो भी चीजें थी कि वहां पर अभी उनके तरफ से सहमति नहीं थी कि वो 28 जनवरी या 4 फरवरी को जो एग्जामिनेशन लेंगे, कितनी सीटें वहां पर उपलब्ध हैं, लेकिन आयोग की तरफ से प्रेशर था कि उनको 28 जनवरी और 4 फरवरी को पेपर कंडक्ट करवाना है। तो देखिए, सिंपल सी बातें हैं, आप आंख बंद करके अभी अपनी कम से कम इस 10 दिन तक, ठीक है ना, क्योंकि जो भी होना है इस 10 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपकी एडमिट कार्ड होप्स हो कि 2-4 दिन में ही आ जाए, या फिर हो सकता है कि अगर एग्जामिनेशन डेट को टलना होगा तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको कोई नोटिस मिल जाएगी। लेकिन ये जो अभी से लेकर के 10 दिन के बीच का जो समय है, काफी इंपॉर्टेंट समय होगा। अगर आप इन सब चीजों के पीछे पड़े रह जाए, इन सब वीडियो के पीछे पड़े रह जाए, और मैं हमेशा कहते आया हूं कि ये जो समय है, जो बंदा 6 महीने से तैयारी कर रहा है और जो महीना 1 साल 2 साल से जो बंदा तैयारी कर रहा, वो इस 10 दिन में अगर थोड़ा सा भी लैग कर गया, थोड़ी सी भी ढिलाई दे दी, तो भाई सारी चीजें आपके हाथों से निकल जाएगी। तो मैं, अगर मेरे से आप पूछे, तो मैं अभी भी आपसे यही कहूंगा कि आप अपना गोल या फिर अपना जो टारगेट है 28 जनवरी और 4 फरवरी के लिए सेट कर लीजिए। ठीक है, एग्जामिनेशन 28 जनवरी और 4 फरवरी को ही होगी। अब आप इस जो बचे हुए समय में, आपके पास 20 दिन का समय बचा हुआ है, और हम लोगों ने आपके लिए आज से रात 8:15 में मैथ्स की कैप्सूल सीरीज स्टार्ट किया। 5 दिन में हम लोग पूरा आपका मेंसुरेशन, देखिए एक पूरा सिस्टमेटिक वे में मेंसुरेशन का 2D और 3D हम लोग खत्म करने वाले हैं, जिसमें आपका एरिया वॉल्यूम का जितना भी कंसेप्ट होगा और जितनी भी प्रैक्टिस करनी होगी, वो सब कुछ आपको करवा दिया जाएगा 5 दिन में। तो अगर आप एरिया वॉल्यूम को कवर कर रहे हैं, तो अगर जेएसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर किसी भी आयोग का अगर आप देखेंगे, सवालों की संख्या मेंसुरेशन से काफी अच्छा खासा होता है, जिसमें आप कम से कम उम्मीद रखिए कि 4 से 5 सवाल, क्योंकि पिछले साल 8-7 सवाल केवल इसी सेक्शन से पूछे गए थे। तो प्रायोरिटी वेस में मैंने पहले ही कहा था कि आपको ये कैप्सूल सीरीज कंप्लीट कराया जाएगा। तो YouTube के प्लेटफॉर्म पे ये क्लासेस चलेगी, ना केवल आप प्रैक्टिस के तौर पर इसको आप अटेंड करेंगे, बल्कि यहाँ पर आपको फुल कंसेप्ट के साथ जेएसएससी सीजीएल की जो डिमांड है, उसके लिए आपको यहाँ पर ये क्लास अटेम्प्ट करना है। भाई आप देखिए, करना कुछ नहीं होगा, आपको समय कम है तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में लगा लीजिए। चीजें इतनी भी नहीं होगी, आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी होगी, तो फास्ट मोड में भी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। दूसरी बात, मैथ का आपको पूरा डर टेंशन अब दूर कर लेना है। जो शिद्दत से 20 से 25 दिन इस चैनल पे आप टाइम दे देते हैं लक्ष्मण सर के साथ, तो ठीक है, जो आप जितने सवाल सही कर रहे हैं अभी, आप उससे ज्यादा सवाल सही कर पा रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, प्रैक्टिस सेट में आपका मार्क्स इंक्रीज हो रहा होगा। दूसरी बात, आपका जीके का सेक्शन का टेंशन मैंने खत्म कर दिया, आपको जितना मैंने दिया है उसके अलावे, अभी देखिए साहब आपके पास टाइम नहीं है कोई किताब, एक सिंगल किताब आपके पास पढ़ने की। दूसरी बात, वन लाइनर आप अब पढ़ सकते हैं, जितना ज्यादा पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वन लाइनर आपका पढ़ना तभी सार्थक होगा जब चीजें पे आपकी क्लैरिटी होगी, कंसेप्ट पे बात आप कर रहे होंगे या कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। तो कैप्सूल सीरीज में हमने कंसेप्ट दिया है, थ्योरी दिया है, और वन लाइनर के फॉर्म में पूरा थ्योरेटिकल सिस्टमैटिक वाइज में चीजें दी है और प्रैक्टिस भी करवाई है। फिर आपका कंप्यूटर में मैंने आपको पहले ही कहा था कि 10 से 12 सवाल, जितना मैंने सोर्सेज बतलाया था, 5-6 घंटे अगर आप समय देते हैं तो 10 से 12 घंटे आप सॉरी 10 से 12 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ आपको मेहनत लगेगी। मैंने अभी तक सिंगल इस वीडियो में जो भी लाइन कही है, कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं था।
ठीक है ना, चाहे वो कैप्सूल सीरीज की बात कर ले, मैथ की, जीके की, या अभी मैं जो कंप्यूटर की बातें कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मेहनत करना पड़ेगा। तो हाँ, ये है कि आपको जितना मेहनत करना पड़ता उसके में मैंने बहुत सारी मेहनतें कर दी है, तो आपका मेहनत काफी कम हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चीजों को आप समझ करके थोड़ा सा समय देंगे, तो अब मैंने 2 मास्टर वीडियो कंप्यूटर के डाल दिए, तो अब आपका मार्क्स 12 नहीं 14 सवाल तक आप पहुंचेंगे। और फिर से कह रहा हूं, जितना मैंने सोर्स बताया, कंप्यूटर का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके सेक्शन में हो, और साइंस में तो खैर मैंने जो कोर्स में दे दिया, अभी जेएसएससी के जितने एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन मैंने देखे साइंस का, जो शिद्दत से हमारे कंटेंट को पढ़े हैं, मैं नहीं कर रहा हूं कि आप मेरे कंटेंट से पढ़िए, मैं अब बतला रहा हूं जो मैंने देखा। साइंस में 17-18 सवाल आप सही करके आ रहे होंगे, लेकिन उसमें भी मेहनत है, आपने मेहनत की होगी, उसमें आपका पूरा क्रेडिट। हाँ, मैंने कंटेंट अच्छा दिया था, बहुत मेहनत मैंने भी किया था। तो आज आपके रात 8:15 से आपकी मैथ्स की कैप्सूल सीरीज पहले स्टार्ट होगी, जो आपका चलने वाला है एरिया और वॉल्यूम, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D। ये 5 दिन का हमने टारगेट रखा है, एक बड़ा चैप्टर है, एक अच्छा वेटेज रखता है आपके एग्जामिनेशन में। तो कंसेप्ट भी दिया जाएगा पहली क्लास में, दूसरी तीसरी चौथी क्लास में फुल प्रैक्टिस करेंगे, और सेम वही 5वीं क्लास में हम लोग पूरा वॉल्यूम को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप अपने एंड से मेहनत करते रहिए, इधर उधर की बातों में मैं आपको कभी ना फंसाऊंगा, और ना मैं कभी नेगेटिविटी चीजें आपके अंदर लाने दूंगा, ना मैं कहूंगा। आप बस बशर्ते कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं कि कोर्स बेचना हो तो, कोर्स बेचना नहीं है दोस्त, ये यूट्यूब पे आपकी आएगी, आपके लिए काफी शिद्दत से काफी मेहनत लगती है कैप्सूल तैयार करने में। ठीक है, वो आप जब देखेंगे भी तो बतलाएंगे। और अगर मैं कह दूं कि आपका पेपर नहीं होगा, तो इससे मेरे कहने से आपका पेपर नहीं होगा, या मेरे कहने से आपका पेपर नहीं हो जाएगा, जो आयोग कहेगी वही होगी, और आयोग अभी तक यही कहते आई है कि आपका पेपर 28 को और 4 को होगा। अब बाकी आप समझदार हैं, आपकी मर्जी है, आप जो भी करें, हमारा काम है आपको गाइड करना, एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा सोर्स देना। अगर मुझे अभी जेएसएससी सीजीएल का पेपर देना होता, तो अपने बस मैं देखिए मैं चीजों को दिखलाता हूं कि मैं करता क्या। भाई देखिए, ये अपना कंटेंट, और आपके पास कंटेंट लिखने का समय नहीं था, मैंने कंटेंट दिया तो आपके पास ये प्रिंट आउट होनी चाहिए थी, ना कोई किताब हमारे पास होना चाहिए था, अभी बस ये कंटेंट रफ हैंड रिटेन, और एक एक जगह पर, एक एक लाइन पर 10-10 पॉइंट आपके पास यहाँ पर लिखे होने चाहिए, और उसको रिवाइज करना अभी मेरा बस यही मकसद होता, अगर मैं अभी ये एग्जाम दे रहा होता तो। ठीक है, बाकी चलिए ऑल द बेस्ट, 28 जनवरी के लिए अभी अपने आप को तैयार रखिए, आज रात 8 बजे से कैप्सूल सीरीज है, और 1 मास्टर वीडियो अभी मैं आपका कंप्यूटर के लिए और लाऊंगा। ठीक है, और फिर उसमें अगर आपका सपोर्ट रहा तो पूरी मास्टर वीडियो में आपका कंप्यूटर भी खत्म कर दी जाएगी, बाकी आपकी सपोर्ट के ऊपर है। मैथ्स की कैप्सूल सीरीज में हमने टारगेट दिया था 700+ लाइक, ठीक है, और ये 700+ लाइक आपको आपको पहुंचाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो आपको करना होगा, अगर आपको भी अच्छा स्कोर करना है मैथ में। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और जो भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी वीडियो लिंक हो, सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और एकदम क्लियर कट मैं अभी बतला रहा हूँ, माइंड में क्लियर रखिए, पेपर 28 को ही होगा, अभी तक की बातों पे से बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के काम करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।